दो चाय ला रहे? ससुर जी आप बहुत लकी हैं, आइए ना। यहाँ का समोसा A1 है, आपके लिए ऑर्डर करूँ? एक्चुअली ये उस्मान बिस्किट बहुत फेमस है, आप ये ट्राई कीजिए। अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ, प्रश्न ही किया? इतने इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए ये जगह चुनी है? क्यों ससुर जी, ये सुपर प्लेस है। क्या है ना, यहाँ हमारी आपस की बातें कोई नहीं सुनेगा। डेमो दिखाता हूँ। हेलो अली। करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ है, बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ, तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लकी। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे और ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था, उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ, लेकिन बाप पीछे पड़ गया। अगर पहले से ये अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए। तो अभी झुकी झुकी है। ससुर जी आ जाइए, आ रहे, जल्दी कीजिए। वो कौन है मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू? मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बाबा, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो, सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसे ढूंढने के लिए एक महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। इसलिए मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। ए, सारे हथियार अब इसको दे दो। ये लो रखो, ये हथियार तुम्हें दो तरह से काम में आएंगे, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ए, चलो रे, काम हो गया। डैडी, ये क्या भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना, मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही भयंकर था। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ जीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है? फैशन शो जा कर आ रहा हूं। सुन बेटी, लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार छोड़ कर उसे ढूंढ रहा है, और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे पड़ गया था। रे बाप रे, मौत से नाता खतरा है, पर इससे नाता तो मौत से भी ज्यादा खतरा है। नहीं चाहिए हमें ये। शेर को सवा शेर मिल गया। हमारे घर में कैसे आया? कौन है तुम्हारा ससुर जी? आप हो ना? चलो बाहर निकलो। मैं लकी से प्यार करती हूँ डैडी। ए, तुम पार्ट टू हो, तुमसे पहले भी पार्ट वन है। एक लड़की से प्यार करके उसे धोखा देने के बाद तुम्हें फंसाया। मैं ऑलरेडी जानती हूँ, लकी ने बताया है। ऑलरेडी बताया है? क्या बताया? अरे ससुर जी, हमारे बीच धूम वन धूम टू ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की सेटिंग नहीं हुई, खेल खत्म, दुकान बंद, चैप्टर क्लोज। अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी बेटी से प्यार करता तो गलत। क्या कहती हो उस बेटी? तुम जो कहते हो वही सही है लकी। फंसा रहा है तुम्हें ये।
इसमें फंसाना क्या है डैडी? आप ही तो कहते हैं ना, हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करे और किसी और के घर में भी काम करे तो गलत है, लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़ कर हमारे घर में नौकरी करता तो गलत है। ऊपर से आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी होता है, तो वही एक्सपीरियंस मेरे भी तो काम आएगा ना। तुम तो छा गई स्वीटी। क्या तुम भी, तुम्हारी ही तो ट्रेनिंग। ससुर जी, अगर आपका ईगो नहीं मान रहा है तो इनकार के लिए ओनली वन रीजन बता दीजिए।